फिर एक बार एक अलग फाउंटेन है जी, ट्रेवी फाउंटेन, रोम इटली, जहाँ पर लोग 3 सिक्के इस पानी में फेंकते हैं उनकी विश ट्रू होने के लिए, और बहुत लोग जहाँ शाम को स्पेशली इकट्ठे होते हैं। डे में थोड़ा गर्मी होती है, मगर ये इतना खूबसूरत है कि मतलब मैं 10 मिनट के लिए आया और 1 घंटा यहाँ स्पेंड। उसके बाद आप जहाँ की स्ट्रीट्स का मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अलग एक दुनिया है ये, और जहाँ पर आपको मतलब पैदल चलने के लिए तैयार होना चाहिए, आपके मेक श्योर के जो शू हैं वो ऐसे हों कि आप चल सकें। आप जहाँ पे बस पे भी राइड कर सकते हैं, मगर बहुत सी जगहों पे आपको पैदल चलना ज़रूरी है, और आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ खाने पीने का स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अपने साथ एक छाता भी रखना चाहिए, अगस्त में जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। ये जो बस राइड है इस पे आप ऑल ओवर रोम में जितनी भी अट्रैक्शंस के जगह हैं वहाँ तक जा सकते हैं। तो आप बस में एक पास दिन का लेकर कभी भी कहीं भी जहाँ स्टॉप्स हैं वहाँ उतर सकते हैं, और एरिया में घूमकर जब आपका दिल चाहे फिर उसी बस के अंदर आप दोबारा चढ़ सकते हैं। और ये एक दिन के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया रहता है कि आप जो चीज़ें शायद गलियों जो नहीं देख सकते पैदल, तो इस बस के थ्रू आपको देखने का बहुत ही खूबसूरत मौका मिलता है। जहाँ पे आपको ये तकरीबन 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड देखिए इस पिलर की और इसके ऊपर क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है, एंड ये बिल्डिंग, इसके इर्द गिर्द लोग बहुत इकट्ठे होते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत जो रोम की अट्रैक्शन प्लेसेस में से सब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह हैं। जब आप जहाँ जाओगे आपको अपने आप इन जगहों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत नज़दीक ही हैं, ये दूर नहीं। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस बहुत अलग अलग कंपनीज की जहाँ मिलती हैं, और आपको मतलब हर दो चार मिनट के बाद ये मिलती रहती है। अगेन आप कहीं भी जाओ आपको बहुत खूबसूरत कुछ ना कुछ जहाँ मिलता ही रहेगा, जिसको आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड गर्मी में जो हॉप ऑन बस का आइडिया बहुत अच्छा है, बिकॉज ऊपर हवा बहुत अच्छी लगती है, तो ठंडी हवा में आप इस एरिया को और भी इन्जॉय कर सकते हैं। ये सारे का सारा एरिया जिस साइड से भी बस जाती है वो सारे का सारा बहुत ही खूबसूरत है। ये सारे का सारा पुराना है, तो यहाँ भी आपको एक दिन काफ़ी नहीं है, आपको कम से कम रोम आना चाहिए एक वीक के लिए, एक हफ्ता आपके लिए काफ़ी होगा। और अगर आपका होटल रोम सिस्टीन चैपल के इर्द गिर्द लेते हैं तो आपको इन जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो सकता है। These streets are so beautiful. ये shops बहुत खूबसूरत होती हैं। Finally we are at Colosseum. ये 2000 साल पुराना building है, अभी बीच में टूटी हुई है, मगर फिर भी tourism के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। एंड जहाँ आप अंदर भी जा सकते हैं,
हम अभी इसको बाहर से ही इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।